मेडिकल क्षेत्र में जागरूकता बढ़ाने के लिए जयपुर के एसएमएस मेडिकल कॉलेज में 2 दिवसीय निरोगी राजस्थान मेडिफेस्ट 2022 का कार्यक्रम 5 और 6 अप्रैल को आयोजित किया जाएगा। इस आयोजन में डॉक्टर शिव सरीन, डॉक्टर नरेश त्रेहान, डॉक्टर वी के पॉल, डॉक्टर देवी शेट्टी और डॉक्टर रणदीप गुलेरिया भाग लेंगे। साथ ही एसएमएस मेडिकल कॉलेज के आईपीडी टावर का भव्य शिलान्यास मुख्यमंत्री अशोक गहलोत करेंगे। इसकी जानकारी देते हुए आज जयपुर में एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। जैसे हमारे लिए माइलस्टोन होगा और फ्यूचर में जो दूसरी जगहों पे जो डेवलपमेंट हम करेंगे उसमें भी एज अ रेफरेंस हमारे लिए काम में आएगा। इसका जो एरिया है वो लगभग 25,660 स्क्वायर मीटर है और इसमें जो बिल्ट अप एरिया होगा वो लगभग 8 लाख स्क्वायर फीट का होगा और इसकी कॉस्ट करीबन 588 करोड़ रुपए है टैक्सेस और कंटिजेंसीज मिला के। और जो टाइम पीरियड रखा गया वो 32 मंथ्स का, यानी 32 महीने, 5 अप्रैल से 32 महीनों में इस प्रोजेक्ट को पूरा किया जाएगा। फर्स्ट टाइम रूफ टॉप हेलीकॉप्टर लैंडिंग फैसिलिटी रखी है एयर एम्बुलेंस के पर्पज से। तो पेशेंट्स यहाँ, पेशेंट्स को रेफरल और यहाँ से हायर सेंटर्स और साथ ही ऑर्गन ट्रांसप्लांट जैसे डॉक्टर साहब ने कहा वो इस एयर एम्बुलेंस के माध्यम से फैसिलिटेट हो पाएगा। स्पेशलिटीज की टावर का फाउंडेशन स्टोन होने जा रहा है जो कि रिकॉर्ड समय में पूरा होगा। इस बिल्डिंग के बारे में मैं कुछ प्रेजेंटेशंस आपको देना चाहूँगा और इस फाउंडेशन स्टोन की ओकेजन पे गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान 2 और एक्टिविटीज़ या कि मैनिफेस्ट एंड एग्जीबिशन भी कर रही है।